अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अरफान, जुलेखा किचन से। मैं भी अलग अलग रहा हूँ और आप लोगों की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ, मैं हमेशा नाम ही भूल जाती हूँ, एक मिनट। आज मैं बना रही हूँ चिकन हंगामा ग्रेवी। वैसे मैंने चिकन हंगामा सिजलर में भी बनाया है, बहुत ही अच्छा बनता है। रेसिपी डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक उसका, आप वहां चेक कर लीजिएगा, बनाए, मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा, आज की रेसिपी मैंने नाम भूल दिया, चलिए सही है, थोड़ा भूल गई। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, यह है 1 किलो तक की चिकन, चर्बी निकाली हुई है, 2-3 पानी से धो के नितारने मैंने 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था। अब एक बड़े से बाउल में डाल दीजिए इसे। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैं 3/4 छोटे चाय का चम्मच डाल रही हूँ, 1 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, चुटकी भर रेड फूड कलर तंदूरी वाला है, ये आपने नहीं डालना है स्किप कर सकते हैं, और 5 टेबलस्पून भरकर दही डाल रही हूँ मैं। ये बहुत गाढ़ी दही है, आप एकदम खट्टी भी मत लीजिए, मीठी भी नहीं होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अरे मैं डालना भूल गई अदरक लहसुन का पेस्ट, तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने के लिए साइड पर रख दीजिए। मैं 1 घंटा रख रही हूँ, आप चाहें तो 2 घंटे भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा समय रख रहे हो 1 घंटे के ऊपर, तो इसे ढक कर फ्रिज में रख दीजिएगा। चलिए थोड़ी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और तेल गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई लंबी स्लाइस करी हुई प्याज डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। और इसी समय देखिए, अब मैं डाल देती हूँ 14-15 काजू, आधे मिनट तक और इसे फ्राई कर रही हूँ और इन्हें सारों को नितार लेती हूँ क्योंकि लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। प्याज सारे को नितार लें, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। जब ठंडी हो जाए तो मिक्सर जार के अंदर डालकर, पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर तक पीस लें, ये देखिए, और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए वही तेल के अंदर, ना मैं ज़्यादा तेल नहीं डाल रही, वही तेल के अंदर ये जो चिकन के पीसेस है, 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट होके, तो इन्हें सारों को मैं एक एक करके उठाकर डाल रही हूँ क्योंकि सारा मसाले के साथ नहीं डाल रही हूँ। मसाला जो बचेगा ना उसे आप साइड पर रख दीजिए, हम आगे यूटिलाइज करेंगे। ये सारी चिकन को इस तरीके से लगा दीजिए और इसे फ्राई कीजिए, समझिए ना, 6-7 मिनट इस साइड फ्राई कीजिए, फिर पलट दीजिए और पीछे का साइड 6-7 मिनट फ्राई कीजिए, और तब तक फ्राई कीजिए जब तक पूरी तरीके से चिकन नहीं हो जाती और ये जो चिकन में है ना गोल्डन मार्क्स आना शुरू नहीं हो जाते तब तक। तकरीबन 13-14 मिनट हो चुके हैं, तेल देख सकते हैं आप निकल रहा है और हल्की हल्की लगना शुरू हो गई है। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ अभी, डायरेक्टली इसमें ग्रिल नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसी में ही गोल्डन स्पॉट्स आए तक इसे फ्राई करें, उलट पलट में दोनों ओर स्पॉट्स आ जाने चाहिए, बट मैं क्या कर रही हूँ, ग्रिलिंग प्लेट रखकर डायरेक्टली गैस के ऊपर इस तरीके से पीसेस रखकर ग्रिल कर लेती हूँ। कुछ सेकेंड्स के लिए उलट पलट करते जाऊंगी तो आप क्विकली ग्रिल हो जाएगी। इसी तरीके से सारी चिकन को मैं ग्रिल कर लेती हूँ बैचेस में, इसी तरीके से क्लियर कर करके निकाल कर इसे साइड पर रख देती हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई या जो फ्राई पैन यूज कर रहे हैं उसी में ही इसे डार्क स्पॉट्स आए तक उसे फ्राई करते जाएं, बट मैंने उसमें नहीं किया और मैंने इसमें किया है, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए ये पूरी हो चुकी है, अब वही कढ़ाई मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और नीचे का जो भी था मैंने उसमें निकाली। ये देखिए चिकन परफेक्टली हो चुकी है ना, ये सारी को मैं साइड पर रख रही हूँ और यही पतीली को फिर से मैं ले रही हूँ और जो बचा कुचा था वो भी मैंने चम्मच से निकाल लिया। अब वही तेल को इस्तेमाल कर रही हूँ और उसी में ही 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसे फास्ट आंच कर दीजिए चूल्हे को और इसे फ्राई कीजिए। आपने अदरक लहसुन को तब तक फ्राई करना है जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब कच्चापन चला जाए तो ये जो साइड पर मैंने आप दिखाया अभी आपको टमाटर, मैंने 2 कुछ नहीं पीस कर रखे हैं, इसे मिक्सर जार में पीस लीजिए, तो ये 2 पीसे हुए टमाटर भी डाल दीजिए और टमाटरों को फास्ट आंच पर 2-3 मिनट तक भूनने दीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, 1/4 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और साइड पर ना जिसमें टमाटर मैंने ये किए थे पीसे थे उसमें 1/4 कप जितना पानी डालकर चलाकर मैंने इसमें डाल दिया। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मैंने स्लो आंच कर दिया। अच्छा, साइड पर जो हमने मसाला सबसे पहले जो मसाला सब बना के रखा था चिकन का जो लेफ्ट ओवर मसाला है
ये सारा डाल दीजिए इसमें इस तरीके से, और ये जो बाउल है इसमें 1/4 कप जितना पानी डालिए, चलाकर वो भी इसमें डाल दीजिए और मिक्स कीजिए, स्लो आंच ही है, और इसे पकने दीजिए। जरा एक उबाल आ जाता है तो स्लो आंच तो वैसे भी है, ढक कर इसे पकने दीजिए, तब तक पकाए जब तक तेल नहीं छूट जाता तब तक, या 3-4 मिनट तक इसे पकने दीजिए। चलिए तकरीबन 3-4 मिनट में तो देख सकते हैं आप तेल ऊपर आ चुका है, अच्छे से मसाला भी भुना गया है। तो अब ये जो साइड पर हमने प्याज को पीस के जो काजू के साथ रखा था ये सारा डाल दीजिए अच्छे से, जो भी लगा हुआ हो आपके ये जो इसके अंदर मिक्सर जार के अंदर वो सारा ले लीजिए, ढक्कन वक्कन का भी सारा ले लीजिए। और मैंने चूल्हा मीडियम आंच कर दिया है, मिक्स कीजिए। अच्छा, ये जो मिक्सर जार है इसके अंदर 1/4 कप जितना पानी डालकर चलाकर इसमें डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए डालने के बाद, पानी डालने के बाद, और इसे स्लो आंच करके ढककर इसे दम पर पकने दीजिए। तकरीबन 3-4 मिनट में इसे पकाएं, तब तक ऊपर तेल नहीं आ जाता और हल्का सा ये भी अच्छे से पक नहीं जाता, कच्चापन इसका भी चला नहीं जाता ना, तब तक मैं थोड़ा सा तेल, मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा तेल ऊपर से डालकर इसे ढक कर बंद करके रख देती हूँ 4-5 मिनट के लिए। चलिए 3-4 मिनट हो चुके, ये देखिए तेल बढ़िया सा माशाल्लाह ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं चला लेती हूँ और ये जो चिकन हमने पका के साइड पर रखे ग्रिल करी हुई बढ़िया से जबरदस्त, ये सारी डाल दीजिए। अच्छा, प्लेट पे जो भी लगा हुआ है वो भी सारा डाल दीजिए और एक बार चला लीजिए। सबसे पहले तो चिकन में मसाला कोट कर लीजिए, चूल्हा मैं मीडियम आंच कर देती हूँ और 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से ऐसा क्रश करके डाल दीजिए। अच्छा, सूखी हुई है हाँ ये, एक बार फिर से मिक्स कर दीजिए और इसे आधे एक मिनट तक फ्राई करें। जब आधा एक मिनट हो जाए तो यहाँ तकरीबन ना मैं 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पानी ना आपके स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, मैंने 1/4 कप पानी डाला है, आप चाहें तो आधा डालें, आप चाहें तो 1 कप डालें। हल्का उबाल आ जाने दीजिए, जब हल्का उबाल आता है तो यहाँ पर मैं 1/4 कप जितनी फ्रेश क्रीम यानी कि मलाई मैं है ना बाजार की डाल रही हूँ, आप चाहें तो घर की दूध की मलाई आती है ना वो ले सकते हैं दूध के ऊपर की, लेकिन उसे एक बार मिक्स बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये डालकर भी एक बार मिक्स कर लीजिए, अच्छा उबाल आ जाता है, स्लो आंच करके ढक कर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने दीजिए। 10 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बढ़िया सा तेल ऊपर आ चुका है, तो खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, हरा धनिया और 3-4 स्लिट करी हुई हरी मिर्ची डाल दीजिए और मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। आप चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं इस समय। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ कैसा टेस्ट है, पता तो चले ना कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है। अरफात, यू आल्सो ट्राई इट, कैसा है? वेरी नाइस। मैं इसकी चिकन भी ये रही, मेरे पास ही आते चिकन भी खाके देख लेती हूँ कैसी बनी है। फ्लेवरफुल एकदम, मजा आ गया, बहुत ही मजेदार है। मैं तो गर्मा गर्म इसे रोटी के साथ खा रही हूँ, आप चाहे पराठा फुल्का बटर नान रुमाली रोटी किसी के भी साथ खाएं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहां चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है ये रेसिपी को, और बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे ये लिंक्स फॉरवर्ड कीजिएगा। आई होप अगर आप बनाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक बात शेयर करनी थी, मिर्चियों का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिए, चाहे वो लाल मिर्च हो, चाहे हरी मिर्च हो, चाहे काली मिर्च हो या फिर गरम मसाला हो। चलिए मैं एक बड़े से बाउल में, बड़ा तो नहीं है, छोटे बाउल में निकाल कर इसे गर्मा गर्म सर्व करती हूँ। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। सिजलर्स ने भी बनाया है, उसका रेसिपी लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दो, दे दीजिए दे 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 दे। वैसे मैंने चिकन सिजलर हंगामा सिजलर चिकन हंगामा मेरी चिकन को खाया आपने? हाँ, थोड़ा तक लेग पीस को लेग पीस को नहीं खाया, शुरू हो चुका है। प्लीज चलिए ये एक मिनट वापस बंद कर दो।